क्या कभी आपने सुना है कि आपकी गाड़ी घर में लगी हो और आपका गाड़ी का चालान आपको मोबाइल मैसेज के माध्यम से मिला हो? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको परिवहन विभाग का अजब गजब कारनामा के बारे में बताएंगे। देश में रोज नए नए कानून बन रहे हैं जिसका फायदा और नुकसान दोनों है। बिहार में गाड़ियों के ऑनलाइन चालान भी काटे जा रहे हैं। इन्हीं ऑनलाइन चालान के मकड़ जाल में पटना का एक गाड़ी ऑनर भी फंस गया है। हुआ यह है कि पटना के फतुहा में महेश प्रसाद परिवार के साथ रहते हैं। महेश एक स्कॉर्पियो भी रखे हुए हैं, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन चालान से इतने तंग आ चुके हैं कि वो अपनी गाड़ी डर से बाहर तक नहीं निकाल रहे हैं। कारण यह है कि पटना के अन्य जिले मुजफ्फरपुर मोतिहारी से परिवहन विभाग द्वारा इन्हें इनके गाड़ी का ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है, और वो भी बिना इन जिलों में गाड़ी चलाए। महेश प्रसाद के भाई सुरेंद्र प्रसाद बताते हैं कि मेरा स्कॉर्पियो का पहला चालान जुलाई 23 में आया है। इसी तरह से दूसरा और तीसरा चालान फरवरी और जुलाई 2024 में आया है। तीनों चालान मुजफ्फरपुर और मोतिहारी से ही आया है। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी पटना से बाहर इन जिलों में गई ही नहीं है। जिस दिन चालान भेजा गया है उस दिन हमारी गाड़ी घर में लगे सीसीटीवी के नज़र में है, फिर भी चालान आ रहा है। उन्होंने चालान से तंग आकर संबंधित जिलों के ट्रैफिक के वरीय पदाधिकारी से मिलकर पत्राचार भी किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसके लिए उन्होंने आरटीआई भी किया। इस टेबल से उस टेबल चप्पल घिस जाने के बाद उन्होंने फतवा थाने में आवेदन दिया कि कहीं उनके गाड़ी के नंबर का कोई गलत उपयोग कर रहा है जिसकी जाँच की जाए। पीड़ित शैलेंद्र बताते हैं कि लगता है कि उनकी गाड़ी का जो नंबर है उसका कोई गलत उपयोग कर रहा है जिसके कारण वो घर से बाहर गाड़ी नहीं निकाल रहे हैं। काफी शिकायत है, क्या पूरा मामला है? हम लोग सर लगातार चालान कटते जा रहा है। हम लोग अभी घर में गाड़ी रहती है, पहला बार कटिया मुजफ्फरपुर यातायात में, फिर दूसरा बार मोतिहारी में कटिया, तीसरा बार फिर मोतिहारी में कटिया। दो दो हजार रुपया के तीन बार हम लोग कट गया है। एक बार तो हम लोग जमा भी कर दिए हैं, इसलिए कि इसका सारा सुविधा रोक दिया जाता है। पोल्यूशन नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो इसके चलते फर्स्ट बार जो 19/7/23 को जो कटा उसके एवेज में हम लोग डिपोजिट कर दिए हैं, बाकी दो डिपोजिट नहीं किए हैं। इसके एवेज में हम लोग चकिया में भी हम लोग दिए, चकिया DSP के हम लोग आवेदन दिए थे, आज तक कुछ नहीं हुआ। लोक निवारण में भी गए, RTI मांगे हैं, थाना में भी आवेदन दिए हैं, कल हम लोग गए थे DTO ऑफिस भी आवेदन दिए हैं, कल DTO साहब को दिए हैं। परेशान है, कहाँ करें, कहाँ जाएं, क्या करें, हम लोगों को तो पता नहीं चलता। आवेदन फतुहा थाना में आवेदन दिए, किस तरह का आवेदन दिया? आवेदन दिए हैं कि हमारी गाड़ी घर में रहती है और चालान दूसरे दूसरे जगह कट जा रहा है, इसके लिए हमको सुरक्षा के हिसाब से अपना हम आवेदन दिए, भाई आपको रजिस्टर्ड कर लीजिए, रजिस्टर्ड किया गया। RTI ही किया? RTI भी किए हैं। RTI का जवाब अभी नहीं आया है, दिखाया आपको नालंदा जिला से शायद मोतिहारी मुजफ्फरपुर भेजा गया है, अभी हम लोगों के पास उसका कोई जवाब नहीं आया। जो जिस गाड़ी का चालान आता है, आपकी कौन सी गाड़ी है? हमारी गाड़ी तो स्कॉर्पियो S10 है। जो चालान आता है उसका भी पहला बार जो 19/7/23 को आया था वो स्कॉर्पियो ही था, बट कौन मॉडल है ये हम नहीं कह सकते। क्या लगता है कि आपके गाड़ी का जो नंबर है कोई दूसरा भी उस गाड़ी का नंबर का उपयोग कर रहा होगा? उम्मीद लग रहा है कि सर हम लोगों का नंबर कहीं यूज हो रहा है, डर हम लोगों का बना हुआ कहीं इस कारण से कहीं कोई गलत कर दे तो हम लोग फंस न कहीं जाए, इसके चलते हम तो बहुत परेशान है, कहीं से कोई निवारण का उपाय दिख नहीं रहा। शिकायत के बावजूद भी कोई समस्या कहीं इसके हम लोगों कोई आसार नजर नहीं आता, कहीं भी जाते हैं ऑफिस में तो कहते हैं यहाँ नहीं वहाँ जाइए, वो कहते हैं वहाँ जाइए, हम लोग तो पसंद जाएं तो जाएं कहाँ। यानी कि ऑनलाइन चालान आपको आ रहा है? हाँ, चालान आता है ऑनलाइन। गाड़ी आपकी कहाँ रहती है उस घर में? हमारी गाड़ी CCTV कैमरा के अधीन घर में गाड़ी खड़ी रहती है और चालान आ जाता है, ऑनलाइन चालान आ जाता है मोबाइल पे कि आपका गाड़ी फलाने जगह इतना टाइम में 2000 रुपया हाई स्पीड तो क्या करके आ जाता है। अच्छा, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में इन दोनों जगह मिलाकर के तीन बार चालान आ चुका है, उस दरमियान गाड़ी आपकी मुजफ्फरपुर मोतिहारी नहीं? उस दरमियान में सर दो चार महीना के भी आगे पीछे भी गाड़ी मेरी मुजफ्फरपुर मोतिहारी नहीं गई, लेकिन फिर भी चालान आपके नाम चालान आ जा रहा है। आपके नाम क्या है जी? ऑनर के नाम से नाम महेश प्रसाद सिंह के नाम से, एक्चुअली मेरे भाई हैं, हम नहीं है ऑनर, मतलब जो बात है मेरे भाई साहब हैं उन्हीं के नाम से आ जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र।